हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। यार आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो रहा है, और अभी मैं यार अपने रूम में था और यहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। क्लासेस मेरी नहीं स्टार्ट हुई हैं अभी, BBA और इन्हीं कुछ एक दो सेमेस्टर, मतलब एक दो कोर्सेज की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। मेरी भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, और फिर क्या होगा कि यार रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगा। अभी तो फ्री रहता है, मतलब सुबह में जैसे कि क्लास रहती है, सुबह में ट्रेनिंग करके आया था और तब से अभी रूम भर ही था। एक फॉर्म फिल कर रहा था यार, और फॉर्म फिल हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। ग्राउंड फ्लोर पर हमेशा नेटवर्क का मसला बना रहता है, क्योंकि जहाँ पर मेरा रूम है ना, चारों तरफ हॉस्टल हैं और बीच में मैं हूँ, तो नेटवर्क बहुत कम आते हैं यहाँ पर। फ़िलहाल अभी एक लोकेशन है हमारे यहीं पर हॉस्टल में, बहुत अच्छी लोकेशन है जहाँ पर मतलब हम मौसम को भी इंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बारिश भी हो रही है। तो मैंने सोचा चलो वहीं पर चलते हैं और वहाँ पर बैठ करके मैं फॉर्म फिल करूँगा और एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी आपके साथ में शेयर कर दूँगा। तो चलिए चलते हैं अपने हॉस्टल की एक अच्छी जगह पर। मैं क्या करता हूँ, खाली लैपटॉप ले लेता हूँ, माउस और कीबोर्ड यहीं रहने देते हैं, और फॉर्म यार खुला हुआ है तो काफ़ी देर से यार फिर कर रहा था, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे, बार बार एरर बता रहा था। तो अभी चलते हैं, बाहर बैठेंगे और वहीं पर ही जो है ना बैठ करके फिल करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो गाइस, ये मेरे हॉस्टल की गैलरी है और मैंने लैपटॉप को इस तरह से कैरी कर लिया है, आराम से रख करके मैं जा रहा हूँ। जल्दी से पहुँचता हूँ, फिर आपको बता दिखाता हूँ। तो गाइस, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यही है वो लोकेशन। यहाँ पर बहुत अच्छे से हवा आ रही है, सामने देख रहे हैं काफ़ी, सामने मेरा फुटबॉल ग्राउंड है एंड ये सामने स्टेडियम का बैक है, ये हमारा विशिष्ट स्टेडियम का बैक साइड है ये वाला। यार यहीं पर जो है ना आराम से, जब बहुत बारिश हो रही होती है या फिर जो है ना रात में लाइट वगैरह चली जाती है, तो सारे के सारे बच्चे ज़्यादातर आकर के यहीं पर बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर हवा काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है ना मिलती रहती है। और ये ग्राउंड फ्लोर है, सामने जो है ना देख रहे हैं ये रैम गया हुआ है मेरा, सामने स्विच भी है, मैंने अपना लैपटॉप जो है ना सामने लगा दिया है। तो चलिए जो है ना यहीं पर हम थोड़ी देर तक बैठेंगे और बैठ करके अपना काम करेंगे और आपके साथ थोड़ी थोड़ी सी बातें भी करते रहेंगे, कॉलेज के बारे में चीज़ें शेयर करते रहेंगे। और फुटबॉल ग्राउंड में कोई बारिश में इस टाइम नहा रहा है। ये जो आप मेरे पीछे रैम देख रहे हैं ना, ये पूरा फोर्थ फ्लोर तक गया हुआ है, और ज़्यादातर जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो सब यहीं पर ही जो है ना रहते हैं, यहीं पर ही जो है स्टडी करते हैं। आई होप कि यहाँ पे यार नेट चल जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यार प्रॉब्लम होती है नेट की मेरे रूम पर, और कई बार जो है ना मैंने एप्लीकेशन भी दिया हुआ है वाईफाई के लिए, भी चल रहा है। ये बात सर बोल रहे हैं बहुत जल्दी हम जो है ना वाईफाई प्रोवाइड करा देंगे आप लोगों को। सर बहुत सारे बच्चों ने यार एडमिशन लिया है, स्पेशली स्पोर्ट्स वाले, स्पोर्ट्स के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना कि जो कि आ करके यहाँ पे खेलना भी चाहते हैं और स्टडी भी करना चाहते हैं। यार नेटवर्क तो नहीं आ रहा है, नेटवर्क तो नहीं आ रहा है, बट ये है कि हाँ कनेक्ट करके देखता हूँ मैं। मतलब नेटवर्क यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हुआ ये था कि डिसकनेक्ट हो गया था। बहुत सारे लोग पूछे थे कि भाई, कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि भाई हॉस्टल कब से अलर्ट होंगे, तो भाई जल्दी ही हॉस्टल भी अलर्ट होने लगेंगे। चल गया नेट, तो चल गया है।
यार ऊपर बैठते हुए अनकंफर्टेबल सा लग रहा है, सोच रहा हूँ नीचे बैठ जाऊँ। एवरी डे यहाँ पर क्लीनिंग होती है, पूछा लगता है, रूम सर्विस होती है, मतलब कुछ भी आपको खुद से नहीं करना होता है। ज़्यादातर चीज़ें बस कपड़े वपड़े जो आपके हैं वो आपको खुद धुलने होंगे, लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। और साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखा जाता है कॉलेज में। बाथरूम वगैरह एवरी डे साफ़ होते हैं, क्योंकि हॉस्टल वगैरह में अक्सर ये देखा गया है कि बाथरूम वाथरूम काफ़ी ज़्यादा गंदे होते हैं तो दिक्कत होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। चलिए मैं अपना काम कर लेता हूँ।